तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडब्ल्यू सिक्योरिटी। सो गाइस, अभी आप लोग मेरा प्रोफाइल देख लो, ग्रैंड मास्टर फर्स्ट लगा हुआ है और पटना में M14 पे मैं 25 नंबर पे, जो कि गाइस बिहार की राजधानी है पटना। और यहां से आप लोग मेरा प्रोफाइल देख लो, 7742 मेरे प्रोफाइल पे रैंक स्कोर हो चुका है ग्रैंड मास्टर फर्स्ट का, और 76 लेवल है, 29,000 के प्लस लाइक है मेरा। और ऑल इंडिया लेवल पे मैं 5128 नंबर पे, जो कि 8,000 के अंदर हूं, और ग्रैंड मास्टर फर्स्ट है, जो कि गाइस अभी ग्रैंड मास्टर इस गेम के बाद सेकंड लगने वाला है। और वकील भाई आप लोग देख सकते हो फ्रेंड लिस्ट में है मेरे फर्स्ट नंबर पे, जो कि रिजल्ट टॉप 1 पे भी चल रहे हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं सोलो रैंक पोस्टिंग गेम की तरफ। तो इस मैप में गाइस अमीनो का एक्स्ट्रा मैप आ जाता है और उसी के साथ हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड उतर जाते हैं, जो कि इस प्लेस का मेरे को नाम पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उतर रहे थे भी, तो उतरते टाइम अभी मेरे को स्कैनर में 2 से 3 बंदे ऑलमोस्ट दिखा रहे थे मेरे को, लेकिन उतरते उतरते गाइस अभी 2 ही बंदे दिखा रहे थे, 3 टोटल नहीं थे। तो लेफ्ट साइड तो एक मेरे को अभी दिखा यहाँ पे पैराशूट ओपन करते टाइम, तो अभी हम लोग इसको मारने का ट्राई करेंगे। उसी के साथ सीजन एंड होने तक हम लोग सोलो रैंक पोस्टिंग का ही मतलब फुल एपिसोड आप लोगों को दिखाएंगे और सोलो रैंक में फुल ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम स्कोर हो सकेगा इस सीजन हम लोग करने का। और यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड एक बंदा उतर जाता है, अभी हम लोग इसको मारते हैं और फाइनली इस बंदे को हम लोग क्या क्लियर कर देते हैं। पागल M10 नाम था बंदे का और M4A1 था मेरे पास, और इसके पास ये वाला छोटा वाला डबल गन था, जो कि इससे मार भी नहीं पाया मेरे को। यहाँ पे थोड़ा सा फोन भी मेरा लैग कर रहा था, स्क्रीन रुक रहा था, और अभी मैं उधर से लूट करते करते आ रहा था यहाँ पे, और मैं एक पता नहीं चला कि गाइस यहाँ पे एक बंदा है सीढ़ी पे, और मैं ऊपर उस साइड देख रहा था, और फाइनली ये बंदा आकर मेरे मुंह पे फाइट करने लगता है मुझसे, और मेरा भी सोनिया ऑन हो जाता है, उसका भी सोनिया ऑन हो जाता है, और हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ हम लोग का डबल किल हो जाता है, 500 कॉइन हम लोगों को मिल जाता है, और ग्रेनेड मेडिकेट वगैरह सब ऑलमोस्ट मिल जाता है। और अभी देख लो गाइस 46 बंदे अलाइव है, हार्ट खत्म होने वाला है, जो कि गाइस रिवाइव वाला मतलब सिस्टम अब खत्म होने वाला है, जो कि 1 से 1.5 मिनट के लिए रहता है। तो उसी के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जोन को, कवर करते करते ट्राई करेंगे फुल गेम को बोया लेने का, और बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे गाइस के मतलब होल्ड वगैरह सब करना है गाइस, और मेकअप कर ही चलेंगे। और थोड़ा बहुत देर बाद होल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जोन के लास्ट में आ जाते हैं, एंड में आ जाते हैं, 2 किल रहता है हम लोग का भी। तो यहाँ पे एक बंदे और 2 बंदे मिलकर फाइट कर रहे थे आपस में, सोलो में थर्ड पार्टी करने का और ही मस्त मजा है गाइस। यहाँ पे हम लोग एक बंदे को मार देते हैं थर्ड पार्टी करके, मिस पूजा नाम था इस बंदे का, और एक बंदा इसके अंदर भी था गाइस, तो अभी हम लोग इसको भी मारने का ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने जब ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया तो उस बंदे ने मतलब निकल कर यहाँ से भागने लगा वो, और अभी गाइस उसका हेड लूंगा मैं, मतलब वो आकर बलि का बकरा बनेगा यहाँ मेरे सामने। तो अभी हम लोग राइट से थोड़ा देखते हैं, तो इधर से कहाँ गया, तो यहाँ पे भी देख लो शायद सामने बंदा बैठा हुआ है, और इसका हेड शॉट लेते हैं हम लोग और फाइनली इसको क्लियर करते हैं। टीजी किलर नाम था इस बंदे का, और इसका सोनिया ऑफ हो चुका था उसी टाइम गाइस। पीछे से एक बंदा मतलब बहुत अच्छा खासा मेरे को डैमेज दे देता है, और 3 का वेस्ट मेरा पूरा फोड़ देता है, और 4 किल तो था मेरा। और बाहर भी 2 बंदे फाइट करने लगते हैं आपस में। मेरा शुक्रिया यहाँ पे कि ग्लोवाल मेरा ये नेहरी कैरेक्टर था, क्योंकि नहीं तो ग्लोवाल ये पहले ही फोड़ देते बंदे मिलकर, दोनों मिलकर। तो अभी नेहरी कैरेक्टर था, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ नेहरी कैरेक्टर के कारण ही, और 4 बंदे तो किल कर चुका था मैं, और मेरे को छोड़कर 9 बंदे टोटल बचे हुए थे अभी भी। उसी के साथ ये बंदा पता नहीं कैसे घुस जाता है ग्लोवाल के अंदर, और इसको हम लोग पूरा ड्रैगन जो कि गाइस गन था इसका पूरा हम लोग स्प्रे कर देते हैं, और फाइनली इसको क्लियर कर देते हैं। और राइट से एक बंदा ग्रेनेड पे ग्रेनेड करे जा रहा था, 5 किल तो हो चुका था ऑलरेडी हम लोगों का। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कवर ले लेते हैं बाहर जाकर, बाहर से हील करेंगे मतलब हील कर इसको मारेंगे, थोड़ा कवर लेकर ही मारेंगे, वहां पर बैठे रहेंगे तो उसको प्लेस पता है मेरा पोजीशन। तो अभी हम लोग देख रहे थे बंदे कहाँ है, तो उस साइड दिख रहा था मतलब फाइट तो हो रहा था उस साइड, तो अभी जाते तो थर्ड पार्टी हम लोगों का हो जाता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देर होल्ड किया ताकि मैं गेम को बोया लेके आऊँ और लास्ट तक जाऊँ, तो मतलब बोया मिलेगा तो एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि पत्थर के साइड थोड़ा परमानेंट कवर, यहाँ पे बैठते हैं परमानेंट कवर में, और वो बंदा भी मेरे को मतलब देखा नहीं था, और लेफ्ट साइड में एक बंदा था मेरे ब्रिज के नीचे, उसी के साथ हमको पूरा ट्राई कर रहे था कि मतलब गेम को हम लोग बोया लेके जाए। 6 अलाइव थे मेरे को छोड़कर, टोटल 5 बंदे बचे हुए थे, और ऊपर की साइड फाइट हो रहा था, नीचे ब्रिज की साइड आप लोग देखोगे एक बंदा मतलब स्कैनर लगाता है, और मेरे पास भी एक स्कैनर था, तो मैं भी सबका पोजीशन देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इस बार EP वाला कैरेक्टर नहीं लेकर आया था, ये डिमिट्री कैरेक्टर और सोनिया कॉम्बिनेशन लाया था। अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है सोलो में, बहुत ज्यादा बंदे मतलब डिमिट्री सोनिया लेकर कितना बार भी डाउन करो तो वो लोग हील हो जाते हैं, और नए कैरेक्टर तो और बढ़िया बात है, ग्लोले पैक कर हील हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन गेम को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर दिया है, मतलब डिसबैलेंस कर दे बहुत हद तक। तो यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं ऊपर के साइड, ये बंदा पत्थर के पीछे कवर हुआ था, इसको मेरा फुट स्टेप नहीं आया था, इसको फाइनली बहुत ज्यादा हम लोग डैमेज देते हैं, लेकिन हम लोगों का किल यहाँ पे चोरी हो जाता है। पीछे से एक बंदा उसका मतलब किल ले लेता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी रहता है, उसका सोनिया था हम लोगों ने ऑन कर दिया था, बट देखो DW स्मोथ नाम का बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है यहाँ पे। तो अभी मेरे को छोड़कर टोटल 3 बंदे बचे हुए हैं, 5 किल मेरा ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा बहुत पोजीशन निकाल लेते हैं, अपना पोजीशन तो हम लोग का अच्छा खासा निकल चुका है। यहाँ पे एक बंदा था, इसको मैंने बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया, यही बंदा था जो कि गाइस ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था तब से। तो यहाँ पे हम लोग वाल लगा थोड़ा सा इसमें से लूट रहे थे हीलिंग मेटल करने के लिए, सामान जो भी मतलब यूजफुल हो। तो यहाँ पे 5 किल तो मतलब कंप्लीट हो चुका है, हम लोग का स्कार ले लिया हम लोगों ने, और एक बंदा ड्रॉप के पास था, तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा उसको डैमेज दिया, बट ओरियन बन गया वो बंदा और ड्रॉप के पीछे चला गया। लेकिन उसी टाइम गाइस लेफ्ट से एक बंदा ये आ जाता है मेरे पर, रस कर देता है, और ड्रैगन गाइस को हम लोग पूरा स्प्रे कर देते हैं, और फाइनली इसको क्लियर कर देते हैं। ये बंदा अच्छा था गाइस, क्योंकि ये लोकेज गेमर वाला बंडल पना था, और कोबरा का हेयर था इसके पास, अच्छा खासा ये बंदा था। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली
6 किलो जाता है हम लोग का। अब हम लोग को छोड़कर मात्र एक बंदा बचा हुआ है जो कि सोलो है वो भी, और मैं भी सोलो हूँ। तो अब गाइस मतलब गेम बराबरी पे आ चुका है टोटली। तो अभी हम लोग उसको मारकर बोया लेने का फुल ट्राई करेंगे। सामने बंदा है गोलवाल के पीछे, तो अभी कितना 10 ग्रेनेड है, 10 ग्रेनेड को ऑल टू ऑल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। पहले ये वाला ग्लूमेटर फेंक देते हैं, और 10 ग्रेनेड में एक आध ग्रेनेड से जरूर डैमेज आ सकता है मेरे को लगता है। तो यहाँ पे भी हम लोग फेंके जा रहे हैं ग्रेनेड, 10 का 10 ग्रेनेड वेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। बहुत ज्यादा ग्रेनेड है हम लोग पास अभी फिलहाल। तो अभी देखते हैं पोजीशन बंदे का किधर है, बंदा पता नहीं चल रहा है। इतना दूर ग्रेनेड फेंकने के बाद भी कुछ डैमेज नहीं आया। तो अभी मेरे यहाँ पे ग्लोवल थोड़ा सा फूट जाता है, तो अभी मैं आगे ग्लोवल अगर दिख गया बंदा, सामने वो बंदा है पत्थर के पास बैठा हुआ है, और मेरा तो नैरी करेक्टर है तो इसलिए जल्दी ग्लोवल फूटेगा नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं उसका पोजीशन निकालते हैं, बोया करते हैं, बोया करने का ट्राई करके। चार लॉन्चर का एमो था मेरे पास, तो चारों का मैंने वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे एक लॉन्चर और बचा था जो कि मैं उसको ग्लोवल पे मारकर उसको भी वेस्ट कर दूंगा, और 31 का डैमेज इससे भी आता है मेरा। तो अभी हम लोग इस पर रश करने का सोच रहे थे, बट ये भी बंदा अच्छा था। अभी ये भी बंदा मतलब खुले में घूम रहा था, इसमें भी कॉन्फिडेंस था। देखो कैसे ये मतलब खुले में घूम रहा था, मारने का ट्राई कर रहा था मेरे को। तो यहाँ पे भी मेरे पास स्मोक था, तो स्मोक से देखना कैसे बहुत अच्छा खासा मैं इसको डैमेज दे देता हूँ यहाँ पे। तो 38 का डैमेज आया था इसका पे। अभी यहाँ पे मारने का ट्राई करते हैं, बट इधर लेफ्ट साइड भाग जाता है, बहुत छका रहा था बंदा लास्ट में। तो यहाँ पे मैं सोचा कि राइट में मतलब M10 वगैरह से, मतलब M10 था शायद इसके पास, मेरे को लग रहा था शायद से कि बंदा के पास M10 है। तो यहाँ पे लैंडमाइन था 4 मेरे पास, तो फाइनली अभी इसको हम लैंडमाइन लगा देते हैं यहाँ पे, वेस्ट कर देते हैं। और अभी पोजीशन देखते हैं बंदों का। तो यहाँ पे भी देख रहा इस बंदे की चालाकी, यहाँ पे ये सोचता है शायद कि हिल बैटल कर लूँ। ग्लोवल अपने आप को पैक कर लेता है, और उसी के साथ मैं ग्लूमेटर फेंक देता हूँ, इसका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। और अभी देख रहा इस बंदा मेरे हाथों ही मरेगा शायद से मर जाए। तो अभी ये बंदा बाहर निकल रहा है, और मेरा लैंडमाइन पूरा का पूरा फोड़ दिया इसने। तो अभी देखते हैं बंदा सामने आ चुका है हम लोग के, और फाइनली ये जोन से ही एलिमिनेट हो गया, स्किल भी नहीं दिया बंदे ने। तो इसी के साथ हम लोग का गेम बोया हो जाता है, और ग्रैंड मास्टर पे हम लोग देखते हैं कितना प्लस हुआ और कितने रैंक पे हम लोग पहुंचे। सो गाइस अभी आप लोग देख लो मेरा मतलब इमोट तो दिखाई जा रहा है लगातार। तो अभी देखते हैं कितना हम लोगों को प्लस मिला टोटल। तो यहाँ पे भी हम लोग का मिलता है 5, 11, 10 + 10 टोटल मिलता है 29 का प्लस 6 किल के साथ हम लोग बोया मारते हैं। दो बंदे ने लाइक दिया हम लोगों को, और अभी देख लो यहाँ पर प्रोफाइल हम लोगों का देखते हैं प्रोफाइल में ग्रैंड मास्टर 2 लगता है या नहीं। तो फाइनली ग्रैंड मास्टर 2 लग चुका है यहाँ पे सोलो रैंक पुशिंग में। हम लोगों का एपिसोड नंबर 6 था, जो कि आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और गाइस वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।